Okay, students, so now we are going to start with the IUDs. The full form of IUDs is intrauterine devices. These are the devices which are inserted by the doctors or the nurses in the uterus through vagina. Uterus jahan pe ek baby pregnancy ke throughout rehta hai aur nutrition leta hai mother ki body se. वो प्लेस होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. इंट्रा मतलब अंदर, अंदर यूटेराइन के, यूटेरस के, यूटेरस के अंदर जो डिवाइसेस डाले जाते हैं उन टाइप के डिवाइसेस को इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या आईयूडीज बोला जाता है. दे आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर और नर्सेज इन द यूटेरस थ्रू द वजाइना. ये क्या कर देते हैं, ये फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स को इंक्रीज कर देते हैं. क्योंकि देखो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं, बेसिकली इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कॉपर, कैल्शियम या अदर थिंग्स जैसी चीजों को सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये ऐसी चीजों को रिलीज करते हैं. तो क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसे लगता है कि फॉरेन पार्टिकल है, तो हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल्स को तो खत्म करता ही करता है, उसके साथ साथ ये स्पर्म्स को भी खत्म कर देता है. थस इसीलिए बोला गया है कि ये इंक्रीज कर देते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स. आईयूडीज आर आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी और टू स्पेस चिल्ड्रन. तो सपोज करो अगर एक किसी कपल के एक बच्चा पैदा हो गया, तो एक बच्चा पैदा होने के बाद वो आईयूडीज लगा ले. आईयूडीज 5 साल के लिए लग जाती है, तो स्पेस करने के लिए बच्चों को, बच्चों के बीच में गैप होने के लिए, एक बच्चे की प्रॉपर न्यूट्रिटिव हेल्थ को ग्रो करने के लिए ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं बहुत काम करते हैं. द टाइप्स ऑफ आईयूडीज आर नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज. नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं. नॉन मेडिकेटेड के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये कोई मेडिसिन नहीं होती है. दे आर बेसिकली जैसे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कॉपर रिलीज करता है, वैसे ही नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज भी कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है जिससे बेसिकली फैगोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाती है. हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं, हार्मोन्स को, वेरियस हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिसकी हेल्प से प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट होती है. दीज आर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. मतलब कि ये सपोज करो अगर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा हो तो प्रेगनेंसी जो है वो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का अमाउंट हम कम कर देते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो इस टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की जो रिलीज को कम कर देते हैं जिसकी हेल्प से प्रेगनेंसी नहीं होती. सो दीज आर द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. आप देख सकते हो कि इस टाइप का या टी शेप्ड डिवाइस होता है या वाई शेप्ड डिवाइस होता है या दिस इज द स्पाइरल डिवाइस जो इंसर्ट किया जाता है यूटेरस के अंदर, जिसकी हेल्प से जब भी कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के बाद स्पर्म्स आते हैं, स्पर्म्स को इफेक्ट करता है, स्पर्म्स को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचने नहीं देता. दीज आर द आईयूडीज. These are non-medicated IUDs. They retard the sperm motility. Also have spermicidal effect. For example, Lippe's loop. This is the Lippe's loop जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. Lippe's loop basically क्या करता है, यूटेरस के अंदर हमें, हम इसको इंसर्ट करते हैं तो यूटेरस के अंदर जो Lippe's loop है, या हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही, यूटेरस के अंदर जो Lippe's loop है वो क्या करता है, स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है. स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से स्पर्म्स की डेथ भी क्या हो जाती है, हाँ स्पर्म डेथ को इनहेंस करता है बेसिकली. कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज. कॉपर आयन्स सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स. एग्जाम्पल CUT, CU7, मल्टीलोड 375. ये जो CUT है, it looks like a T-shaped, that's why it is named as the CUT. ये 7-shaped दिखता है, तो इसको CU7 बोला जाता है. And multi-load 375 looks like this.
ये क्या होते हैं, ये कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस होते हैं। इसके ऊपर कॉपर की शीट लगी होती है जो टाइम टू टाइम कॉपर रिलीज करती है बॉडी में। कॉपर का बेसिकली हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट इट एक्ट्स एज अ फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक टाइप से इनहांस करती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कॉपर सेल्स को भी, कॉपर आयंस को भी किल कर देता है और साथ के साथ स्पर्म्स को भी किल कर देता है। दीज आर द कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ओके, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, दे मेक द यूटेरस अनसुटेबल। हाँ देखो, यूटेरस में अगर यूटेरस स्ट्रांग होगा तभी प्रेगनेंसी होगी, अगर यूटेरस स्ट्रांग नहीं होगा इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। अगर इम्प्लांटेशन हो भी गई है तो भी क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। मतलब यूटेरस क्या है हमारा, अनसुटेबल होगा एक टाइप से, जो प्रेगनेंसी करने के लायक नहीं होगा। वैसे ही होते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज आर बेसिकली दोस काइंड ऑफ आईयूडीज दैट मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। एग्जाम्पल, प्रोजेस्टा एजर्ट एलएनजी 20। ये करते क्या है, ये करते हैं हार्मोन रिलीज, ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जिसकी हेल्प से जो यूटेरस है वो क्या हो जाता है, अनसुटेबल टू द, या यूटेरस इज अनसुटेबल टू द फर्टिलाइजेशन एंड द प्रेगनेंसी। Next are the oral contraceptives. Oral administration of progesterones or progesterone estrogen combination in the form of tablets or pills. ये क्या होती है, pills होती है basically, जो क्या करती है, pregnancy को prevent करती है। Yeah. Pills are taken daily for 21 days starting within the first 5 days of the menstrual cycle. After a gap of 7 days, it should be repeated in the same pattern till the female desires to prevent the conception. Iska procedure aap acche se samajh lo, fir aapko sara samajh aa jayega. Pills are taken for 21 days starting within first 5 days of the menstrual cycle. जब menstrual cycle चल रहा है, जब menstruation हो रहा है, तब जो है pills लेना start करते हैं। And उसके बाद क्या होता है, 7 days का gap आता है। It should be repeated in the same pattern till the female desire. Yeah. ओके, बेसिकली क्या होता है मैं बताती हूँ दोबारा से, ये सारी लाइन दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ये पिल्स है 21 डेज के लिए लगातार ली जाती हैं, 21 डेज के पीरियड में लगातार ये पिल्स ली जाती हैं, एंड फर्स्ट 5 डेज से स्टार्ट करना होता है, बट मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में इसको नहीं लेना होता है। They inhibit ovulation and implantation. Basically, ये progesterone estrogen hormones वाली pills होती हैं, जिसकी वजह से uterus lining है जो वो breakdown हो जाती है, and thicken cervical mucus to prevent the entry of the sperm. And ये cervical mucus को thick कर देती हैं, so that sperms की entry ना हो पाए. Pills are very effective with lesser side effects. ये पिल्स इफेक्टिव होती है एंड लेसर साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके, बट फिर भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर रियली रियली हार्मफुल। सहेली इज अ काइंड ऑफ, सहेली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज अ काइंड ऑफ, ये अगर सहेली पे क्वेश्चन आ गया तो ये आपको चारों के चारों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ न्यू कॉन्ट्रासेप्शन एंड इट वॉज डिवेल्प बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। CDRI पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, CDRI ने क्या कौन सी ड्रग प्रिपेयर की थी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये आ सकता है। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग अप दिस
ये ऐसे करके आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं. इट इज अ वंस इन अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इज वेरी हाई एंड इट इज टू बी टेकन वंस इन अ वीक एंड इट हैज अ लॉट लेस साइड इफेक्ट्स इन कंपैरिजन टू द अदर थिंग्स. इंजेक्टेबल्स, नेक्स्ट थिंग इज द इंजेक्टेबल्स. अब देखो, हमने आईयूडीज के बारे में पढ़ लिया, हमने बैरियर मेथड्स के बारे में पढ़ लिया, हमने नेचुरल मेथड्स के बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ रहे हैं पिल्स के बारे में. पिल्स जो होती हैं, बेसिकली ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो यूटेरस को अनसुटेबल कर दें या फिर स्पर्म्स को किल कर दें. ठीक है, क्योंकि ओवा को कोई भी इफेक्ट नहीं करता बेसिकली. And what are injectables? Injectables are the kinds of prostaestrogen or progesterone and estrogen combination. मतलब progesterone and estrogen का ही combination होता है, इन hormones का ही combination होता है इनमें. And these are used by females as injections or implants under the skin. तो ये भी क्या करते हैं, एक टाइप के हार्मोन्स रिलीज करते हैं. ये इंजेक्शंस हैं जो विमेन लगाती हैं अपने आप को, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं. हार्मोन्स दोबारा से क्या कर देते हैं, उनके मेंस्ट्रुएशन को बेसिकली रैपिड अप कर देते हैं कि मेंस्ट्रुएशन आई ही आए. प्रोजेस्टोजेंस और estrogen combinations and IUDs are used as emergency contraceptive within 72 hours of coitus. Yeah, इसको 72 hours के अंदर अंदर लेना होता है. जब भी किसी ने coitus किया है या फिर in rape cases, basically these contraceptive methods are important. Emergency contraceptive, क्योंकि देखो इन्होंने जरूर लिखा है दैट हार्मोन्स है ना, ये पिल्स जो हार्मोन्स हैं, ये इन फ्यूचर भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यूटेराइन सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं, जिससे अ फीमेल कैन बी इनफर्टाइल इवन फॉर होल ऑफ इट्स लाइफ पीरियड. अपनी फुल लाइफ के लिए क्या है, एक फीमेल क्या है, हो सकती है रेजिस्टेंस टू द प्रेगनेंसी, कि अगर वो वॉन्टिंगली प्रेगनेंट होना चाहती है फिर भी फीमेल जो है वो प्रेगनेंट नहीं हो पाएगी. सो दीज आर द थिंग्स दैट अ फीमेल शुड अवॉइड. ओके, नाउ देयर आर सर्जिकल मेथड्स. हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में पढ़ रहे हैं, हमने नेचुरल मेथड पढ़ लिया, बैरियर मेथड पढ़ लिया, आईयूडीज पढ़ लिए, देन हमने पिल्स पढ़ लिए एंड इंजेक्टेबल्स पढ़ लिए. ठीक है, अब हम सर्जिकल मेथड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सर्जिकल मेथड्स बेसिकली क्या करते हैं, पहले वाले जितने भी मेथड्स थे उसमें हम प्रिवेंट कर रहे थे या तो स्पर्म्स जब एंटर करके बॉडी के अंदर तो उनको किल कर रहे थे, या हम क्या कर रहे थे, यूटेरस को अनसुटेबल बना रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, कि प्रेगनेंसी ही ना हो पाए या फर्टिलाइजेशन ही ना हो पाए. तो बेसिकली व्हाट इज द सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड जैसे कि होता है नसबंदी. इसमें क्या करते हैं, वासा डिफरेंशिया को भी कट डाउन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स ट्रांसफर ही नहीं हो पाते, ब्लॉक ही कर दिया पाथवे, स्पर्म्स जो है बाहर को नहीं जा सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकते. It helps to block gamete transport and thereby prevention of conception. Conception का prevention कर देते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा effective है, but irreversible है process. क्योंकि surgery होगी ना जिस बंदे की, एक बार वो दोबारा से surgery करवा के fertile नहीं हो सकता. तो ऐसे ये जो permanent method है वो ऐसा couple ही कर सकता है जिसने अभी कभी भी conceive नहीं करना है. There are two types of surgical methods, vasectomy and tubectomy. देखो, fallopian tube female reproductive का part है, female reproductive system का, and vasa differentia जो है, that is a part of male reproductive system. तो vasectomy is a type of surgery that is done in males
एंड ट्यूबेक्टोमी इज अ टाइप ऑफ सर्जरी दैट इज डन इन फीमेल्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेथड्स, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. वैसेक्टोमी देखो मैंने बोला वासा डिफरेंशिया से रिलेटेड है. वासा डिफरेंशिया कहाँ पे होती है, वास डिफरेंस कहाँ पे होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो बेसिकली ये टेस्टिस से जब स्पर्म्स जा रहे हैं टुवर्ड्स द यूरेथ्रा, तो इसी चीज को ये क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं बाय कटिंग. ये कट कर दिया, पहले तो वासा डिफरेंशिया को बीच में से कट कर दिया, फिर उसको बांध दिया. कट करने से और टाई करने से क्या हो जाता है, बेसिकली ब्लॉक हो गया इसका पाथवे, स्पर्म्स क्या है ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे. तो एक ये क्वेश्चन होता है कि जिन लोगों ने, मेल्स ने नसबंदी करवा ली है, तो क्या वो स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं करते? वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, बट उनके स्पर्म्स जो है वो बाहर, बॉडी के बाहर नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि उनका हमने पाथवे ही ब्लॉक कर दिया. उनमें सीमेन जरूर सिक्रीट होता है. सीमेन के अंदर हमने पढ़ा है कि देयर आर 10% स्पर्म्स एंड 90% इज द सिक्रीशन ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड. तो जो भी रिलीज हो रहा है एक आदमी में जिसने वैसेक्टोमी करवाई हुई है, उसमें सीमेन रिलीज हो रहा है एंड दैट सीमेन इज विदाउट स्पर्म्स. Sterilization procedure in males. In this, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum. ठीक है? This is a kind of sterilization procedure in males. In this, a small part of vas deferens is removed and tied up through a small incision. Small incision का क्या मतलब, बिल्कुल उसको छोटे से, बिल्कुल एक छोटा सा मोड़ देके उसको tie कर दिया जाता है on the scrotum. Okay? Basically इसका क्या method है, basically इसका फंडा क्या है, इसका फंडा यही है कि हमने sperms की transfer को ही block कर देना है, जिसकी वजह से जो pregnancy है वो prevent हो सके. Tubectomy is a type of procedure in which the fallopian tubes are cut and tied. हमें पता है कि fallopian tube का जो pathway होता है, that is the site of fertilization. Fallopian tube is the site of fertilization. Ovum ने ovary से release होने के बाद fallopian tube में ही wait करना होता है. तो fallopian tube को ही cut करके tie कर दिया. ओवरी रिलीज हो रही है, ओवरी में से ओवम रिलीज हो रही है, बट दैट ओवम इज नॉट एबल टू रीच द यूटेरस. तो ये चीज आपको याद रखनी है, ओवम में से, ओवरी में से ओवम रिलीज हो रही है, बट दैट ओवम इज नॉट एबल टू रीच द यूटेरस. यूटेरस तक नहीं पहुंच रही है वो, ठीक है. और इस टाइप की फीमेल के अंदर ओवम अगर बन रही है तो कहाँ पे जाती है, अगर वो यूटेरस तक नहीं पहुंच पा रही. देखो कोई भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, हर सेल का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है. उस लाइफ स्पैन के बाद हर सेल क्या हो जाता है, मर जाता है, या फिर उसके आसपास के सेल्स जो है वो फैगोसाइटोस कर लेते हैं उसको, ठीक है. तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर फीमेल में ओवम है उसका पाथवे ब्लॉक हो गया तो ओवम जाते कहाँ पे है. ओवम वहीं पे रहते हैं, वो बाद में मर जाते हैं और फैगोसाइटोस हो जाते हैं. इस चीज का कोई भी नुकसान नहीं होता है, मतलब ओवम कभी भी ऐसे नहीं होगा कि वहां पे ओवम पड़े हुए जमा हो रहे हैं, ठीक है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. कोई भी सेल है हमारी बॉडी का अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर वो हमारे जो क्लीनर सेल्स है ना, बेसिकली वो क्या कर देंगे, फैगोसाइटोस कर देंगे उनको. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, दैट अवर इम्यून सिस्टम इज देयर, अवर ब्लड इज देयर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी, और ब्लड इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, दैट कुछ भी ना हो ऐसा, ठीक है. सो बेसिकली क्या चीज होती है कि ओवम, हाँ एक और चीज रह गई, दैट इज कि इन टाइप की फीमेल्स में जिन्होंने सर्जिकल मेथड से ट्यूबेक्टोमी करवाई हुई है, इस टाइप
तो बेसिक थिंग ये थी कि जिन फीमेल्स ने ट्यूबेक्टोमी करवाई हुई है, क्या वो फीमेल्स कभी भी मेंस्ट्रुएट करेंगी? उनमें जो पीरियड्स हैं या मेंस्ट्रुएशन है बेसिकली, क्या वो मेंस्ट्रुएशन को एग्जिबिट करेंगी? ऑफ कोर्स, देखो जिन मेल्स ने वैसेक्टोमी करवाई हुई है उनके अंदर भी सीमेन प्रोड्यूस होगा, बट दैट विल बी द सीमेन विदाउट द स्पर्म्स। और जिन फीमेल्स ने सर्जरी करवाई हुई है उनके अंदर भी ये चीज होगी, बट देयर जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन में ओवम भी हमारा जो है बॉडी के बाहर निकलता है, वो ओवम बॉडी के बाहर नहीं निकलेगा, बट द यूटेरस लाइनिंग विल बी द सेम एंड एवरीथिंग विल बी द सेम। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और मेंस्ट्रुएशन बंद तो बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये सम कॉमन थिंग्स हैं जो बच्चों रिलेट नहीं करते हैं एंड कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं एंड अल्टीमेटली डाउट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, देखो हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है जो हर चीज को सही रख रहा है। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी के साथ इंटरफेरेंस करेंगे, सपोज करो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स की आदत है कि वो नेचर के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं। अगर वो नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तभी आज का जो टाइम है लॉकडाउन का वो आया है। लॉकडाउन की वजह से ही ये सब हो रहा है। एंड लॉकडाउन हुआ क्यों बेसिकली? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर ली है। इट इज इनफ ऑफ द इंटरफेरेंस विद द नेचर। एंड अब नेचर क्या कर रही है? नेचर जवाब दे रही है। नेचर क्या कर रही है? अब नेचर जवाब दे रही है। बेसिकली दैट इज बहुत ज्यादा हो गया, अब बस करो। तो वैसे ही है कि अगर हम अपनी बॉडी, हमारी बॉडी है नेचुरल है, हमारी बॉडी में सब कुछ नेचुरली प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ग्रेट, बट अगर हमारी बॉडी में भी हम छेड़छाड़ करेंगे, बहुत ज्यादा मेडिसिन लेंगे, बहुत ज्यादा अननेचुरल मेथड्स को ऑप्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली इफेक्ट हमारी बॉडी को ही झेलना पड़ेगा। द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं, इट मे कॉज नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर एंड अदर थिंग्स ऑल्सो इन मेल्स ऑल्सो एंड फीमेल्स ऑल्सो। बट फीमेल्स क्या है, फीमेल्स को ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि फीमेल्स आर द ह्यूमन बींग्स, फीमेल्स आर द टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स जिनमें जिन्होंने ये चीजें ज्यादा करनी होती हैं। अबॉर्शन है वो भी, अगर एक फीमेल है वो अपनी बॉडी में अबॉर्शन भी करवा रही है तो अबॉर्शन का भी उसको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी क्या है, बहुत ज्यादा पेन सह रही है। पेन सहने के बाद उसके बहुत ज्यादा डेड जो सेल्स हैं वो रिपेयर एंड रीजनरेशन की कैपेबिलिटी को लूज कर देंगे। रिपेयर एंड रीजनरेशन की कैपेबिलिटी को अगर किसी सेल ने लूज कर दिया तो वो अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा सबके लिए। सो दिस इज द बेसिक थिंग जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि कोई भी है, आप अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत करो, रिमेन नेचुरल, नेचुरल रहो एंड कभी भी ज्यादा मेडिसिन, किसी भी केस में ज्यादा मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अफेक्टिंग अवर हेल्थ। वही बात जो है ये की जाती है इन द केस ऑफ पिल्स, जो हमारी पिल्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। यूजुअली फीमेल्स में ये देखा गया है कि नौजिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लीडिंग ऑल ओवर द टाइम ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है, ऑल ओवर द मंथ समटाइम्स ब्लीडिंग होती रहती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाते हैं, मेंसेस का कोई पीरियड नहीं रहता है। बेसिकली द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 28 डेज, लेकिन सारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सारा हिल जाता है। एंड इन सम सेवियर केसेस ब्रेस्ट कैंसर में अकर, ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी फीमेल को हो जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डेथ इज सर्टेन।
फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यही, इसीलिए क्योंकि पहले तो उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, देन उनका हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है ऑल ओवर द लाइफ लॉन्ग, उसके बाद अगर ऐसी चीजें भी वो फेस करने लग जाएं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. तो लेट अस रिवाइज व्हाट वी रेड इन, अब तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया है, लेट अस रिवाइज. बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव से ही आपको क्लियर होगा, बाकी सारा कुछ तो आपने कर ही लिया था. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, देन बर्थ रेट एंड डेथ रेट का मतलब क्या होता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे कॉज कर सकता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेड अबाउट द नेचुरल मेथड्स, नेचुरल मेथड्स के बाद वी रेड अबाउट द बैरियर मेथड्स. Then the IUDs, then the injectables. Injectables are also basically kind of pills. Then pills. At last, हमने surgical method के बारे में पढ़ा. अब देखो हमने एक चीज read की थी कि जो pills हैं basically these pills can be used as These pills can be used as these pills can be used as the easy contraceptive methods. कई बार नेचुरल मेथड क्या है काम नहीं करता या फेल हो जाता है, अगर इजेक्शन हो गई इनसाइड द फीमेल बॉडी तो नेचुरल मेथड काम नहीं करेगा, अगर बैरियर ही फेल हो गया या ए यू नो या पैसेज ऑफ द स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तो बैरियर मेथड भी काम नहीं आएगा, पिल्स वाला मेथड ही काम आएगा. क्यों? बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन द केस ऑफ रेप्स और यूजुअल कैजुअल इंटरकोर्स जिसमें सारे हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेल हो गए. ठीक है, क्योंकि साथ के साथ अगर सर्जरी करवा लेंगे, सर्जरी वाले मेथड में भी क्या होता है कि अगर आपके अंदर स्पर्म्स चले गए एंड इन केस यू हैड फर्टिलाइज्ड तो चाहे आप सर्जरी करवा लो चाहे कुछ भी कर लो, द बेबी इज गोइंग टू द यूटेरस एंड यूटेरस में जाके वो क्या करने वाला है, इम्प्लांट तो होने ही वाला है, इस चीज को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर. कल हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करने जा रहे हैं. तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू.